पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में ताड़ी खेत में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल पर्यटन विभाग के विशेष कार्याधिकारी व प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलफे व मुख्य परियोजना निदेशक डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो पहले चरण में महिला समूह को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय धागा व रेशे से कपड़ा बनाने के साथ दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। विधायक ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पहाड़ में पलायन को देखते हुए बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय धागा व रेशे से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं भास्कर खुलफे ने कहा कि बिच्छू घास को बच्चों को डराने या लगाने के काम में लाया जाता था, लेकिन अब बिच्छू की हर्बल चाय कपड़ा और अन्य उत्पाद बनाए जाएंगे। रानीखेत से गोपाल सिंह विस्त की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड से पलायन मुक्त हो, और पलायन मुक्त हो तो यहाँ पर यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ की जो कृषि उपज है, यहाँ की जो औषधियाँ हैं, इनको रोजगार से जोड़ने का। तो हमारे NRLM और रीप की मदद से हमने हमारे पूर्व IAS और प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार आदरणीय भास्कर खुलबे जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर खोला जाए, जिसे बिच्छू घास से हमारी ऑर्गेनिक चाय और उसके रेशे से कपड़े बनाने का कार्यक्रम और कुटीर उद्योग शुरू किया जाए। ऐसा तो डॉक्टर नैनवाल की ही एक सृजन की कृति है जिसे उन्होंने यहाँ इस रूप में आज प्रस्तुत किया है कि बिच्छू घास, जिसको गांव में हमेशा या तो मास्टर जी की बेंत समझते थे या फिर गरीब लोगों की सब्जी समझते थे, उसे आज एक ऐसा रूप दिया है कि वो चाय के रूप में बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बिके।